जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त फिल्म सिटी में अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जहां फायरिंग हुई उससे वो महज 20 फीट की दूरी पर मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग की आवाज भी सुनी है। मुंबई फिल्म सिटी में राजू शिंदे नाम के एक डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर पर जानलेवा हमला हुआ। फिल्म सिटी के अंदर ही राजू शिंदे पर हमलावरों ने फायरिंग की। राजू शिंदे को 3 गोलियां लगी हैं जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। राजू शिंदे फिल्म सेटों के डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर हैं और जिस वक्त उन पर हमला हुआ उस वक्त फिल्म सिटी में कई फिल्मों की शूटिंग भी चल रही थी। बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन के सामने ये फायरिंग हुई है। सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने ट्वीट करके अमिताभ बच्चन ने यह जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने खुद ही ट्वीट करके ये बताया कि गोरेगांव फिल्म सिटी में जहां पर फायरिंग हुई है वहां पर महज 20 फीट की दूरी पर जिस जगह एग्जैक्टली फायरिंग हुई है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां से 20 फीट की दूरी पर अमिताभ बच्चन मौजूद थे। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राजेश, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया है हम उसे दिखा देते हैं। द 1873 ओके, मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा हूं और हम लोग जहां हैं उससे 20 फीट की दूरी पर गैंगवार हुआ, एक की मौत हो गई। ये अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश मेरे साथ लाइव मौजूद है। राजेश, अमिताभ बच्चन जहां फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वहां से 20 फीट की दूरी पर फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला, किसने फायरिंग की है, किसके ऊपर फायरिंग की गई है? मैं मौका वारदात पे मौजूद हूं राशिद, और ये इस तरफ इसे कालिया मैदान करते हैं और इसे इसके अंदर काफी सारे टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग होती है। यहाँ पे बालाजी टेलीफिल्म्स के जो सीरियल्स हैं उनकी शूटिंग होती है और वहां पे जो पुलिस वाले आपको दिख रहे हैं वहीं पे वो शख्स जो राजू शिंदे हैं, राजू शिंदे वहां पे मौजूद थे और वहीं पे फायरिंग हुई है। अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो यहां से ठीक सामने दूसरी तरफ, कैमरामैन से कहूंगा दूसरी तरफ, वो एक शूटिंग कर रहे थे, 20 फीट की दूरी पे थे और वहां पे उन्होंने फायरिंग की आवाज तक सुनी और उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि एक शख्स को गोली लगी है। हालांकि अभी तक उस शख्स की मौत नहीं हुई है, अभी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं उस जिंदगी को बचाने की, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 3 गोलियां लगी है। राजू शिंदे नाम का एक शख्स है, फिल्म सेट का डिजाइनर कम कॉन्ट्रैक्टर है, जो सेट के सामग्री आती है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था और यहां पे बालाजी टेलीफिल्म्स के सेट के बाहर मौजूद था। 2 बजे के करीब में बाहर कुर्सी पे बैठा था, तभी एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल से आया और उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसने 3 गोलियां मारी राजू शिंदे को, जो 2 गोलियां पेट में लगी, 1 गोली हाथ पे लगी। हमलावर जो था वो यहां से भागा, बाइक पर उसका दूसरा दोस्त वहां पे इंतजार कर रहा था, वो बाइक से भागा, 20 मीटर पर एक और बाइक के साथ तीसरा शख्स इंतजार रहना हुआ था, उसने 3 गोलियां मारी राजू शिंदे को, जो 2 गोलियां पेट में लगी, 1 गोली हाथ पे लगी। हमलावर जो था वो यहां से भागा, बाइक पर उसका दूसरा दोस्त वहां पे इंतजार कर रहा था, वो बाइक से भागा, 20 मीटर पर एक और बाइक के साथ तीसरा शख्स इंतजार कर रहा था। इन 2 हमलावरों जिन्होंने गोलियां मार दागी थी उसने वो बाइक छोड़ी और तीसरा जो दोस्त मौका वारदात पे बाइक के साथ मौजूद था उसके बाइक पे दोनों बैठे और यहां से फरार हो गए। वारदात किस वजह से हुई है, किसने अंजाम दिया है, फिलहाल इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिल्म सिटी के अंदर यह वारदात होना राशिद कहीं ना कहीं सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पुलिस की बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था, चौक चौबंद व्यवस्था यहां रहती है, साथ ही फिल्म सिटी के अंदर की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा रहती है। वहां पे कोई शख्स जो है वो बंदूक लेके घुस जाता है, किसी पर इस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग करता है, बड़ी बात है, बड़ी सुरक्षा में चूक है। और आपको बता दूं कि जब यहां से वो भाग रहा था तब यहां पास में ये गेट है जहां से वो भागने की कोशिश कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनने, उस हमलावर ने उन्हें सिर्फ गन दिखाया और वो डर गए, कोई उसके नजदीक नहीं आया और वो यहां से भाग खड़ा हुआ। जी राशिद, ठीक है राजेश, आप रहिए। राजेश, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये मौका वारदात की तस्वीर है जहां से 20 फीट की दूरी पर अमिताभ बच्चन थे, राजू शिंदे नाम के एक डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमला हुआ है। ये देखिए ये तस्वीर, और जब ये फायरिंग हुई है उसके बाद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये बताया कि महज 20 फीट की दूरी पर वो थे जहां पर फायरिंग हुई है। एक बार फिर से हम राजेश के पास में चलते हैं। चलिए हम राजेश से आगे हम जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए राजेश आपका शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई के फिल्म सिटी में फायरिंग हुई है, गोरेगांव की फिल्म सिटी में फायरिंग हुई है जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं, और बड़ी बात यह है कि अमिताभ बच्चन जहां शूटिंग कर रहे थे उससे 20 फीट की दूरी पर यह फायरिंग हुई है।
अब ब्रेक आउट चला है, कहीं मत जाइएगा बस।